पीने की ऐसी रेसिपी है जो बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको पसंद आती है। और सर्व करने की बात आए तो आप चाहे तो इसे स्टार्टर में, नूडल्स के साथ, राइस के साथ, कैसे भी ये अच्छी लगती है। तो इसे कम से कम सब्जियों में कैसे बनाया जा सकता है, इसकी रेसिपी मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिये, मैंने लिया है पत्ता गोभी, हरा प्याज, 2 शिमला मिर्च और 2 गाजर लिए हैं। तो इन सबको हम बारीक सा चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 2 कप पत्ता गोभी लिया है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, 1 कप गाजर को ग्रेट कर लिया है, और हाँ, इसमें मैंने ये 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है, इसे भी बारीक चॉप कर लिया है, और हरे प्याज को भी बारीक चॉप कर लिया है। शिमला मिर्च को मैंने बारीक चॉप कर लिया है, उसे हम बाद में यहाँ पर ऐड करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ये पत्ता गोभी, गाजर और प्याज और हरे प्याज को बोल में डाल देंगे, और इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून नमक। नमक डालने के बाद 5 मिनट के लिए इसे लिड से कवर करके रख देंगे। इससे क्या होगा कि सब्जियों का जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो 5 मिनट के बाद जब हम लीड ओपन करते हैं तो ये देखिए, सब्जियों ने काफी पानी रिलीज कर दिया है। अब इस पानी को हम पूरा स्क्वीज कर लेंगे। तो इसका सबसे बेहतर तरीका कि कोई भी इस तरह का कॉटन का साफ कपड़ा ले लीजिए, या फिर आप नैपकिन भी ले सकते हैं, उसमें ये सारी सब्जियां डाल के इस तरह से स्क्वीज कर लेंगे। तो इससे सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा और हमारी बिल्कुल परफेक्ट मंचूरियन बॉल बन के निकलेंगी। तो ये देखिए कितना सारा पानी मैंने इसमें निकाल दिया है। अब इन सारी सब्जियों को हम एक बोल में ट्रांसफर कर देंगे, और इसके बाद इसमें डाल देंगे हरा वाला शिमला मिर्च जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और 3 टेबल स्पून इसमें मैदा डाल देंगे, 1/4 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे, और 1 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे ये सोया सॉस, जो कि अक्सर रेस्टोरेंट वाले ऐड करते हैं मंचूरियन बॉल में। इनकी मंचूरियन बॉल का टेस्ट जो है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। सारी चीज़ों को मिक्स करके इस तरह हाथों पे बांध के देख लेंगे कि बॉल बनके तैयार हो रही है नहीं। अगर आपके डो थोड़ा सा गीला लगता है तो उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, मैदे की क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। अब हम हाथों को ऑयल से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे और सारी मंचूरियन बॉल बना के तैयार कर लेंगे, और उसके बाद इसे गर्म गर्म ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे और उस ऑयल में सारी मंचूरियन बॉल डालने के बाद गैस के फ्लेम को मीडियम कर लेंगे, और मीडियम फ्लेम पर सारी मंचूरियन बॉल्स को फ्राई कर लेंगे हम। इससे क्या होगा कि बॉल जो है बाहर से क्रिस्पी बनेगी और अंदर से भी इनका क्रंच बना रहेगा। ये सारी मंचूरियन बॉल्स फ्राई होके तैयार हो गई, तो इन्हें हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। और अब हम कर लेते हैं इसकी ग्रेवी की प्रिपरेशन। तो यहाँ पर एक बोल में मैंने डाल दिया 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस, 2 टेबल स्पून टमाटो केचप। आप चाहें तो यहाँ पर 3 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं, इससे इनहेंस होगा ग्रेवी का टेस्ट। 1 टेबल स्पून विनेगर डाला है मैंने इसमें, और सारे सॉस को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। दूसरे बॉल में डाल दिया 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक घोल तैयार करके रख लिया है। तो हम चलते हैं ग्रेवी बनाने की प्रोसेस में। इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून के अराउंड ऑयल और बारीक चॉप किया हुआ लहसुन, बारीक चॉप किया हुआ अदरक डाल देंगे, और इन्हें फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। हरी मिर्च डाल दी है इसके बाद मैंने, जिसे मैंने डायमंड शेप में कट कर रखा था, और इसके बाद डाल दिया मैंने प्याज और हरा शिमला मिर्च स्क्वायर शेप में कटा हुआ। आप चाहें तो यहाँ पर लाल और पीला शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, और हरे वाले प्याज का व्हाइट वाला पार्ट भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पर सिर्फ हम 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे सब्जियों को, ताकि इनका क्रंच बना रहे। और उसके बाद जो सॉस हमने तैयार करके रखा था वो पैन में डाल देंगे। यहाँ पे सॉस को हमें पकाना नहीं होता है, बस इस तरह से सारी सब्जियों में मिक्स कर देंगे, और उसके बाद डाल देंगे 1 कप पानी ग्रेवी बनाने के लिए, और ये जो कॉर्नफ्लावर का घोल हमने बना के रखा था वो भी इसमें डाल देंगे, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, और 1 पिंच नमक डाल देंगे जो कि ऑप्शनल है। जैसे ग्रेवी में बॉईल आ जाता है हम इसमें डाल देंगे मंचूरियन बॉल्स, और बॉल्स को ग्रेवी में मिक्स कर देंगे, ऊपर से हरे प्याज से गार्निश करेंगे, और ये हमारी मंचूरियन ग्रेवी वाली बनके हो गई है तैयार, जो कि बिल्कुल बजट फ्रेंडली बनके तैयार हुई है। इसे हम गर्म गर्म सर्व करेंगे। जब भी आप मंचूरियन सर्व करें तो उसे गर्म गर्म ही सर्व कीजिएगा, और एक बार फिर से इसे ऊपर से हरे प्याज से गार्निश कर देंगे। रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।